सच बोलकर ही नजदीक आया था और सच बोलकर ही दूर रहना चाहता है तो कितना सीधा है परमो। एक बात तो बता, जिस लड़की से तेरी शादी हो रही है उसका नाम क्या है? खुबरू और रंगीन अदाकारा संगीता को पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में अहम मकाम हासिल है। उन्होंने 5 दहाइयों पहले अपने करियर का आगाज किया और 50 साल गुजरने के बावजूद आज भी वो करियर जारी और सारी है। संगीता का करियर नशीब फराज की दास्तान है। उन्होंने मुख्तलिफ मराहिल में मुख्तलिफ किरदार निभाए और हर दहाई के लिहाज से अपने आप को ढाला और यही उनकी कामयाबी का राज है। वो न सिर्फ अदाकार बनी बल्कि पाकिस्तान की कई एक ब्लॉकबस्टर फिल्मों की हिदायत कार होने का एहसास भी रखती हैं। संगीता एक खुश मिजाज, आजाद ख्याल और रंगीन मिजाज अदाकारा थी जो हुमायूं कुरैशी के इश्क में खो गई थी और दोनों ने शादी भी की, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में इस शादी को हादसा ही कहा जाता है और इसका इकरार खुद हुमायूं कुरैशी ने अपने इंटरव्यू में किया। डैडी, मैंने इशारे ते नचन वाले बांदर भी नहीं, हम ख्याल साथी दी सूरत है जिदे नाल मैं जिंदगी गुजारनी है। जमाल ते अलिफ उल्लू। संगीता 14 जून 1947 को कराची में पैदा हुई। वालिदैन ने उनका नाम परवीन रजवी रखा। संगीता का ताल्लुक एक शोबिज घराने से था। उनकी वालिदा एक अदाकारा थी लेकिन फिल्मों में एक्स्ट्रा के किरदार ही निभाती थी। संगीता को अदाकारा बनाने के लिए उनकी वालिदा का सबसे अहम किरदार है। उन्होंने चाइल्ड स्टार ही से अपने करियर का आगाज कर दिया था और इसी जमीन में उनकी पहली फिल्म कोहे नूर थी। अलबत्ता संगीता को बतौर मुकम्मल हीरोइन पहली फिल्म कंगन मिली थी जो की 1969 में रिलीज हुई। इस फिल्म का पस मंजर कुछ इस तरह से है कि अदाकार रहमान एक फिल्म कंगन बनाने जा रहे थे जिसके लिए उन्हें नई हीरोइन की तलाश थी। उन्होंने एक तकरीब में संगीता को देखा जो अपनी वालिदा के साथ आई थी। रहमान ने संगीता को फिल्म में कास्ट करने की पेशकश की जिसे संगीता और उनकी वालिदा ने कबूल कर लिया और यूँ फिल्म कंगन संगीता की डेब्यू फिल्म बन गयी। संगीता इस फिल्म की मरकजी हीरोइन थी लेकिन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म को ज्यादा पजीराई नहीं मिल सकी और ये फिल्म फ्लॉप फिल्मों की फहरिस्त में शामिल की गयी। पहली फिल्म फ्लॉप होने के बाद संगीता की वालिदा ने हिकमत अमली तब्दील की और कराची से लाहौर का सफर किया जो कि संगीता के लिए खुशबख्त साबित हुआ। यही कुछ रात मेरे साथ हुआ लेकिन अब सोचना फजूल है, फैसला वही ठीक है जो मेरी माँ और तुम्हारी बहन ने किया है। मेरी होने वाली बीवी किसी देवास्तानी की यतीम बेटी है। मेरे होने वाले शौहर किसी दफ्तर में क्लर्क है। लाहौर आकर संगीता ने उर्दू और पंजाबी फिल्मों में मुआविन अदाकारा के तौर पर काम करना शुरू किया जो कि उनके लिए बहुत अच्छा साबित हुआ क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में उनकी पहचान बनना शुरू हो गई। संगीता की इन इब्तदाई फिल्मों में चिराग कहाँ, रोशनी कहाँ, ये अमन और सलाम मोहब्बत शामिल है। इन तमाम फिल्मों में संगीता ने सानवी किरदार निभाए। संगीता की बतौर मुकम्मल हीरोइन पहली कामयाब फिल्म मेरी जिंदगी एक नगमा थी जो की 1972 में रिलीज हुई। इस फिल्म में उन्हें मारूफ कॉमेडियन रंगीला की हीरोइन बनने का मिला। संगीता ने इस फिल्म में अपनी अदाकारी के साथ खूब दाद समेटी। इस दौर में रंगीला और मुनव्वर जरीफ के साथ बतौर हीरोइन काम करना बहुत मुश्किल तसव्वुर किया जाता था क्योंकि दोनों की डायलॉग डिलीवरी का मुकाबला करना बहुत मुश्किल होता था और कोई कोई अदाकारा इस मयार पर पूरा उतरती थी और अदाकारा संगीता इस मयार पर पूरा उतरी। मैं तेनु पापी बन के नहीं बिठाया, मैं तेरी माँ था। फिल्म मेरी जिंदगी एक नगमा में असलम परवेज ने मनफी किरदार निभाया जबकि दीगर अदाकारों में कवि खान सरे फहरिस्त थे। बॉक्स ऑफिस पर संगीता की इस फिल्म ने गोल्डन जुबली मनाई। इस फिल्म में संगीता पर नूर जहां का गाया हुआ सदा बहार गीत तेरा किसी पे आए दिल फिल्माया गया। बहत्तर के साल ही संगीता की एक बहुत बड़ी यादगार फिल्म बहारो फूल बरसाओ भी रिलीज हुई जिसके हीरो वहीद मुराद थे। इस फिल्म में संगीता ने बतौर मेहमान अदाकार काम किया। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म एक गोल्डन जुबली फिल्म साबित हुई। इन फिल्मों की कामयाबी ने संगीता को बहुत ही एतमाद बख्शा था लिहाजा संगीता अदाकारी के अलावा एक फिल्म साज और हिदायतकार भी सामने आई और कई एक कामयाब फिल्में उनके क्रेडिट पर हैं। ये राशि अफसरों और ब्लैक सेठों की बीवियाँ 10-20 तोले सोना और कीमती जेवर पहनकर अपनी आप भूल गई हैं। मैं सूती साड़ी क्या पहनकर आ गई हूँ? हर कोई मुझे नौकरानी समझने पर बाजी है। मैं इस महफिल को खुश करने के लिए जरूर गाऊंगी।
संगीता ने PNR के नाम से एक प्रोडक्शन कंपनी बनाई जिसके तहत फिल्में बनाई जाती रहीं। इसी जमन में पहली कामयाब फिल्म मोहब्बत और महंगाई थी जो कि 1976 में रिलीज हुई। इस फिल्म में संगीता की बहन कविता मुकम्मल हीरोइन थी जबकि फिल्म के हीरो नदीम बेग थे जबकि संगीता गुलाम मुहियुद्दीन की हीरोइन बनी थी। मैं तुमसे रोमांस कर रही हूँ। अच्छा? हाँ, मैंने कन्फर्म कर दिया है कि बचपन की मोहब्बत है। मगर है नहीं। मगर हो भी सकती है। ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं। अच्छा ठीक है। हाँ ठीक है। संगीता की तरह उनकी बहन भी शोख और चंचल मिजाज की मालिक थी। दोनों बहनें कमोबेश एक जैसी खसूसियात रखती थी और दोनों बहुत ही दिलकश थीं। संगीता और कविता पर फिल्म इंडस्ट्री में कई लोग फिदा हो चुके थे और आने वाले साल के साथ उनके चाहने वालों में इजाफा होता जा रहा था। तुम क्या फिर रास्ता भूल गई? डियर मेरी सालगिरह है और तुम्हें पार्टी में जरूर आना है। तुम तो जानती हो इतनी बड़ी पार्टी में होने के लिए मेरे पास कोई मुनासिब लिबास भी तो नहीं। 1975 का साल संगीता के करियर की पहली डायमंड जुबली फिल्म अनाड़ी के नाम रहा जिसके हीरो नदीम बेग थे। इस फिल्म के हीरोइन शबनम थी जबकि संगीता सानवी मगर इंतहाई मौसर कुन किरदार में नजर आईं। अगर तू उसके बजाय मुझसे प्यार करता तो आज ये सब बातें अपनी माँ से कहकर उसको अपना फैसला बदलने पे मजबूर कर देता। लेकिन बात तो अपने अपने नसीब की है, मजबूरियों की है। फिल्म में मुस्तफ़ा कुरैशी ने मनफी किरदार निभाया जबकि दीगर अदाकारों में गुलाम मुहियुद्दीन, आगा तालिश, लहरी और मुनव्वर ज़रीफ शामिल थे। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने डायमंड जुबली बनाई और 104 हफ्तों तक के लिए सिनेमा घरों की जीनत बनी रही। उस मासूम इंसान फर्मों की जमानत कराने जो आपके चुर्मों की सजा में गिरफ्तार हो गया था। दौलत के लालच में बेटी की आरज़ुओं का सौदा करने वाला बाप इतना गैरतमंद नहीं हो सकता कि बेटी को गोली मार। 1970 का साल संगीता के लिए एक और बड़ा साल था। इस साल भी वो न सिर्फ अदाकारा बल्कि हिदायतकारा के तौर पर कामयाब रही। बतौर अदाकारा उनकी सुपरहिट फिल्म ससुराल थी जिसमें वो शाहिद हमीद की हीरोइन बनी थी। इस फिल्म की दीगर कास्ट में उस्मान पीरजादा, नन्ना और कविता शामिल थे। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने गोल्डन जुबली मनाई और एक साल से ज्यादा अरसे तक लोगों को महसूस करती रही। बतौर हिदायतकार उनकी कामयाब तरीन फिल्म इश्क इश्क थी। इस फिल्म के हीरो नदीम थे जबकि हीरोइन कविता थी। दीगर अदाकारों में गुलाम मुहियुद्दीन, कवि खान और आगा तालिश शामिल थे। संगीता की इस फिल्म ने सिल्वर जुबली मनाई। इस तरह 70 की दहाई में कराची से लाहौर जाने वाली एक गुमनाम मुआविन अदाकारा 70 की दहाई के इख्तिताम तक एक मारूफ अदाकारा और हिदायतकारा बन चुकी थी जिन्होंने शोहरत के साथ कामयाब फिल्मों से अच्छा खासा पैसा भी कमा लिया था और उनका मयार जिंदगी भी बदल चुका था। उसे पता चला कि मेरे पास पैसे नहीं है तो अपने पास से दवाएं खरीद के दे गया। अल्लाह भला करे। अजीब आदमी है। मैंने दवाएं लेने से इनकार किया तो कहने लगा मैं हर माँ का एहतराम अपनी माँ की तरह करता हूँ। 80 की दहाई में संगीता पूरे आबोताब से काम करती रहीं। इस दहाई में 1983 का साल उनके लिए बेमिसल मसरूफियत का साल रहा। इस साल उनकी दो ब्लॉकबस्टर फिल्में सोना चांदी और फिल्म राका रिलीज हुई। फिल्म राका में उन्हें सुल्तान राही के साथ काम करने का मौका मिला जबकि इस फिल्म में वो एक दफा फिर रंगीला की हीरोइन बनी। दीगर अदाकारों में मुमताज बेगम, जमुर्द और मुस्तफ़ा कुरैशी शामिल थे। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने गोल्डन जुबली मनाई। दूसरी जानिब फिल्म सोना चांदी कॉमेडी का शाहकार थी। यह फिल्म नन्ना और अली एजाज की जोड़ी याद की जाती है। संगीता इस फिल्म की मुकम्मल हीरोइन थी और उन्हें नन्ना की हीरोइन बनने का मौका मिला। लोका मुठ चौला वास्ते अपने बच्चे बेच देते सन। मैं ते अपने बच्चे लिए चूड़ियां बेचन लगी हां। तुसी खैर नाल जाओ ते सलीम नूं दाखिल करा दियो। असीं एक बूटा पे पालने आ। कल ओदी छावें असीं बैठा ना। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। फिल्म में कॉमेडी के साथ साथ रोमांस भी शामिल था। नन्ना और संगीता पर सदाबहार गीत बन गई गर्ल फिल्माया गया जिसे नाजरीन ने बहुत पसंद किया। इस दहाई में संगीता ज्यादातर सुल्तान राही के साथ नजर आईं। सुल्तान राही के साथ संगीता की इंतहाई यादगार फिल्म किस्मत थी जो कि 1985 में रिलीज हुई। इस फिल्म की कहानी बाकी फिल्मों से मुख्तलिफ थी। फिल्म में एक बाप की अपनी बेटी के लिए मोहब्बत को कमाल अंदाज में दिखाया गया। यह फिल्म फुल ऑफ इमोशंस थी। इस फिल्म को हर तबके की जानिब से बहुत पसीराई मिली। ऐसे ही काल ने तो मैंने परेशान किया है। तेरा दिमाग तो नहीं चल गया जमाल? ए परेशानी ली नहीं, खुशी वाली गल है। फिल्म के डायलॉग के साथ साथ गीत भी बहुत मकबूल हुए। फिल्म की कास्ट में सुल्तान राही, संगीता, नन्ना, यूसुफ खान, रंगीला और अंजुमन शामिल थे। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने प्लैटिनम जुबली मनाई। हो अनजान बने थी कोई लोड नहीं। वैसे मैंने
ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਪ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜਮਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਜਮਾਲ? ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜਮਾਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਜਮਾਲ ਨਹੀਂ? ਕਮਾਲ ਹੈ। 1986 का साल संगीता की डायमंड जुबली फिल्म आखिरी जंग के नाम रहा, जो कि भरपूर एक्शन पंजाबी फिल्म थी, जिसमें रिवायती तौर पर जुल्म के खिलाफ एक पिसे हुए तबके की जंग को दिखाया गया और इस तबके की तर्जुमानी सुल्तान राही कर रहे थे। इसी फिल्म के जरिए अदाकारा नीली ने डेब्यू किया था, जो कि एक दहाई तक के लिए इंतहाई कामयाब अदाकारा रही, जबकि नादरा भी इसी फिल्म की हीरोइन थी और उनके लिए भी ये फिल्म कामयाबी का बायस बनी। संगीता का कैरियर 90 की दहाई में भी इसी तरह जारी रहा, अलबत्ता इस दहाई में वो अदाकारा के अलावा बतौर फिल्म साज भी इंतहाई कामयाब साबित हुई। उनकी सरपरस्ती में ब्लॉकबस्टर फिल्में खिलौना और निकाह जैसी फिल्में सामने आईं। संगीता ने अपने फन के जरिए दुनिया के कई ममालिक में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। संगीता ही पाकिस्तान की जानिब से वो पहली फिल्मसाज थीं जिनकी फिल्म अमेरिका में अक्सबंद हुई। इससे पहले किसी फिल्मसाज ने अमेरिका में अपनी फिल्म अक्सबंद नहीं की थी और ये इस बात का सबूत है कि संगीता ने फिल्मी दुनिया से बहुत सारी दौलत भी जमा की। क्या सोच रहे हो सेठ? मैं तुमसे, तुम्हारी इन दीवारों से, तुम्हारी दौलत से, तुम्हारे कमीने साथियों से खौफ से ना हूँ। बात इंतहा तक पहुँच चुकी है शेर साहब। अपने पूरे जिंदगी में इतने दुख उठाए हैं कि अब डर मौत से भी नहीं लगता। संगीता ने फिल्मों के मशहूर विलन हुमायूं कुरैशी से शादी की। हुमायूं कुरैशी ने एक इंटरव्यू में बताया कि दोनों फिल्म की शूटिंग के लिए मरी में मौजूद थे। दोनों शादी का कोई इरादा नहीं रखते थे, लेकिन फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों में मोहब्बत हो गई और दोनों ने शादी कर ली। इस शादी पर दोनों के घर वाले राजी नहीं थे। इस शादी से दोनों की एक बेटी भी हुई, अलबत्ता ये शादी ज्यादा कायम ना रह सकी और दोनों में कुछ अरसा बाद तलाक हो गई। संगीता ने फिल्मी दुनिया में काम जारी रखा और आज भी वो फिल्मी दुनिया का हिस्सा है। वो बतौर हिदायतकार, अदाकारा कई एक अवार्ड्स भी अपने नाम कर चुकी हैं, जबकि फिल्म निकाह और मुट्ठी भर चावल के लिए उन्हें निगार अवार्ड से नवाजा गया। दारू नहीं, विस्की। चुस्की और डानस, ये तो बहुत गड़बड़ की बात है। तुम्हें अपने आप को इस माहौल और इस रंग में रखना होगा। तुम यहाँ की हर चीज की जिम्मेदार। 2019 में संगीता की फिल्म सिर्फ तुम ही तो हो रिलीज हुई, जिसे अवाम ने काफी पसंद किया। इस तरह आज भी संगीता फिल्म इंडस्ट्री के लिए अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। उन्होंने अभी तक के लिए अपने करियर में 1940 फिल्मों में काम किया। वो अपनी फैमिली के साथ लाहौर में रहती हैं। संगीता ने हुमायूं कुरैशी के बाद अदाकार नवीद भट्ट से शादी की, जो ताहाल कायम है। मैं तीन उम्र दिया नहीं सी देख सकती। मैं बिल्ले की दवाई ले अपना खून बेच के आई हूं।